हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ फिजिक्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसा कि इसका नाम आ रहा है स्फेरिकल मिरर, पहली बात ये बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लेन मिरर मैंने पढ़ाया था, आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 10% क्वेश्चन ही प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से होंगे, और बाकी जो 90% कॉन्सेप्ट बचता है वो स्फेरिकल मिरर्स का होगा, उनके यूज़ का होगा, न्यूमेरिकल्स का होगा। तो पहले जनरली बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाता होगा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप एज्यूम करते हुए चलेंगे। आप मान लीजिए जिस बॉल से हम लोग खेलते हैं ना, रबर की जो बॉल होती है, क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट, रबर की बॉल होती है, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, यानी कि अंदर से वो सॉलिड तो नहीं होती, वो बॉल होती है हॉलो, कुछ इस तरीके की बना दे रहा हूँ, ये उसकी मोटाई है, जिस मटेरियल से बनी है ये उसकी मोटाई है। इस बॉल पे हम क्या करें, सपोज कर लीजिए ये बॉल रबर की ना बनके ये बॉल गिलास की बनी हुई है, यानी कि एक हॉलो स्फेयर है, क्योंकि वो पेपर पे बन नहीं पाता। तो ये आपको ये जो लाइनें दिख रही है ना, इसको बच्चे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उनको ये बात समझ में आती होगी। ये हम उसको ट्रांसवर्स व्यू दिखाया है, ट्रांसवर्स व्यू। अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एनीवे उस पर हम लोग आएंगे। तो आप एक बॉल एज्यूम कर लीजिए, एक हॉलो बॉल है और इतने मोटे गिलास की बनी हुई है। उस गिलास की ऊपर वाली साइड पे भी मैंने मरकरी से पॉलिश कर दिया, मरकरी या सिल्वर की कोटिंग कर दिया, और उसकी अंदर वाली साइड पे भी मैंने, अंदर वाली साइड पे भी मैंने पॉलिश कर दी है, और मैंने उसका एक थिन पीस काट लिया, यहां से उसको काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसको यहां से कट कर लिया गया और इसको यहां से कट कर लिया गया, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से पूरी बॉल बन जाएगी, मैंने उसका एक पीस काट लिया है, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यानी कि एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी बल्जिंग इनवर्ड होगी और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी बल्जिंग आउटवर्ड होगी। तो इस टाइप से जो हमें मिरर मिला, ऐसा कर्व मिरर, उसी को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, बिकॉज वो स्फेयर का पार्ट था। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस वॉज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। बात समझ भाई? अगर मैं बल्जिंग आउटवर्ड वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट करूंगा, यानी कि इधर अपना फेस देखूंगा, यहां पे अपना चेहरा देख रहा हूं, तो ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर मैं इधर वाली साइड पे, क्योंकि इधर भी मैंने पॉलिश कर रखी है, तो इधर वाली साइड पे भी अपना फेस देख सकता हूं इस तरीके से, तो ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। लेकिन अगर हम उसको अभी ऐसे देख रहे हैं तो पूरा फ्रंट व्यू दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसको ऐसे देखें इस तरीके से, तो सिर्फ ये वाली लाइन दिखाई देगी। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये वाली एक लाइन दिखाई देगी, ट्रांसवर्स व्यू। वही लाइन हम लोग यहां पर बनाते हैं, हम रियल डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये ट्रांसवर्स व्यू बनाते हैं, सिर्फ ये दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं भैया ये जो है कॉनकेव मिरर है और ये जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, उस पर अभी हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कंसिडर अ हॉलो स्फीयर विद अ वेरी स्मूथ एंड पॉलिश इनसाइड सरफेस एंड एन आउटर सर्फेस विद अ कोटिंग ऑफ मरकरी सो दैट नो लाइट कैन कम आउट। एक हॉलो स्फीयर को मान लीजिए जो स्मूथ पॉलिश सर्फेस से बना हुआ है, जिसके मैंने अंदर भी पॉलिश कर रखी है, बाहर भी। देन इफ वी कट अ थिन स्लाइस आउट ऑफ द शेल, अगर हम उस शेल में से एक थिन स्लाइस कट कर लें, तो एक कर्व्ड मिरर हमें मिलेगा, उस मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। इसलिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कि आपने पॉलिश आउटसाइड कर रखी है तो चेहरा इस वाली साइड पे देखेगा, अगर आपने पॉलिश इनसाइड कर रखी है तो चेहरा इस वाली साइड पे देखेगा। इसलिए ये दो टाइप के होते हैं। ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि पॉलिश मैंने पीछे वाली साइड कर रखी है, पॉलिश हो रही है बल्जिंग आउटवर्ड वाली साइड पर और रिफ्लेक्शन हो रहा है बल्जिंग इनवर्ड वाली साइड पर। दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगर मैंने पॉलिश की है बल्जिंग इनवर्ड वाली साइड पर, यहां पॉलिश है तो फेस दिखेगा इस वाली साइड पर, ये वाली सरफेस होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। जिस होलो स्फीयर का आपका जो स्फेरिकल मिरर है, जिसका ये पार्ट है जिससे ये काटा गया है, मान लीजिए ये रहा कॉनकेव मिरर। अगर मैं सर्कल को कंप्लीट करूं तो इस तरीके से ये सर्कल बन जाएगा, अभी परफेक्ट नहीं बन रहा है। तो इसका जो सेंटर रहा होगा, क्योंकि ये स्फीयर से ही तो आया है, तो उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिससे हमने उस मिरर को कट किया हुआ है, और फिर सेंटर से जो लाइन पास होके जाएगी और मिरर को बीच में से कट करेगी, क्योंकि सेंटर से तो ये भी पास होके जा रही है, तो सेंटर से पास होके जाएगी और मिरर को बिल्कुल बीच से कट करेगी, मतलब उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आधी इधर हो गई और आधी ये नीचे हो गई। इस ये जो मिडिल वाला जो पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको वर्टेक्स लिखा है, वैसे इसको पोल बोलते हैं, अभी आगे आएगा। तो
ऑप्टिकल एक्सेस या प्रिंसिपल एक्सेस उस चीज को बोला जाता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और पोल से जाती है, वो अभी हम आगे आपको समझाएंगे। तो फिलहाल यहां पर क्लियर हो रहा है आपका स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। पोल देख लीजिए, सबसे पहले पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर या द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, ये जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है वो ये रहा, इसकी बात हो रही है, इसको पोल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट द स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट ऑफ। देखिए मैं यही तो बोलना चाहता, द सेंटर ऑफ द स्फीयर या द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फीयर दैट द स्फेरिकल मिरर वाज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, यानी के जिस स्फेरिकल मिरर का वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पार्ट हुआ करता था उसी का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से पोल तक की अगर हम दूरी ले लें तो ये रेडियस ही तो है, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द स्फेरिकल मिरर या फिर उसके पोल से, द रेडियस विल इंटरसेक्ट द मिरर एट द पोल। मैं तो सीधे बोलता हूं पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, बस बात खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी, देखिए द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मेन प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस इनवर्ड। अगर कॉनकेव मिरर आएगा तो कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल तो होता ही है, हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग इनवर्ड, और कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग आउटवर्ड। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, ये हो गया आपका कॉनकेव। फोकस की थोड़ा सा बात करेंगे, फोकस के लिए एक डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। चलिए पहले ये डायग्राम देखिए, बहुत सारी इंसिडेंट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कॉनकेव मिरर है ध्यान रखिएगा, तो रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस पे हो रहा है, बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश है। इफ द नंबर ऑफ इंसिडेंट रेस कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे विल मीट एट द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट हैपेंस इन रियलिटी। अगर कॉनकेव मिरर पर बहुत सारी प्रिंसिपल बहुत सारी इंसिडेंट रेज आती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी पॉइंट पर पक्का मिलेंगी और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइटों को मिलाता है, फोकस में लेकर आता है। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज दे कन्वर्जेस द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये लाइटों को देखिए टकराने के बाद लाइटों को डाइवर्ज कर रहा है, लाइट को फैला रहा है। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारे उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, लाइटों को डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। तो बात चल रही थी फोकस की, फोकस को मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और वो भी मैं दोनों का अलग अलग डिफाइंड होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस अलग डिफाइंड होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस अलग डिफाइंड होगा क्योंकि यहां पे रियल वर्चुअल का चक्कर है। आपको एक लाइन में पढ़ा दिया गया होगा फोकस, लेकिन अब फोकस सुन लीजिए बहुत ध्यान से। तो फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, नाउ लिसन, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बात समझ आई, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का एक ऐसा पॉइंट है जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है जहां पर सारी लाइनें मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद, कौन सी लाइनें, जो इंसिडेंट रे के पैरेलल आ रही थी, बात खत्म, यानी कि यहां पर लाइनें रियल में मिलती है, रियल में, इसलिए कॉनकेव मिरर का जो फोकस है उसको रियल फोकस भी बोला जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर में सुन लीजिए, अब रियल फोकस और वर्चुअल फोकस आप समझ जाएंगे। फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is a point on its principal axis at which all the parallel incident rays appear to meet at this point, यानी कि वो क्या चली जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। मैं तो ऐसा करके स्केल रखता हूं सीधा, यहां पर डॉटेड बना देता हूं यहां पर, क्योंकि ऐसा करके मुझे क्या पता चला कि मैं इधर को भेजूंगा तो वो फोकस पे आएगा कि नहीं आएगा, तो अपना स्केल फोकस से मिला लो,
अगर आपको ये बनाने की बात आए तो अपना स्केल जो है फोकस पे रखो और इंसिडेंट रे पे रखो, उसको उधर भेज दो, यहां से डार्क लाइन बना दो और यहां से डॉटेड लाइन बना दो, तो डायग्राम बनाने में गड़बड़ नहीं होगी। ये थोड़ी सी चालाकी आपको करनी पड़ेगी डायग्राम बनाने के लिए। देखिए मैं बताता हूं, तो इसमें जो फोकस पे लाइनें मिल रही हैं वो रियल में नहीं मिल रही है, बल्कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहां से इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर अपना जो रोलर है वो ऐसे रख लिया, फोकस से पहले ही मिला दिया उसको, यहाँ पे डार्क लाइन बना दी और यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी, समझ गए बात को। फिर ऐसे अपना स्केल को मैंने अपने रूलर को ऐसे रख लिया, यहाँ पे डार्क लाइन बना दी और यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी, तो इससे पता चलेगा ना कि फोकस पे आनी है। लेकिन होता ऐसा है कि वो जाती रैंडमली है, लेकिन जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो फोकस पे मिलती है, हम ऐसी लाइन नहीं बना पाएंगे ना, वो तो मिरर करता है। तो आप अपना रूलर पहले ही फोकस पे रख लीजिए फिलहाल, वो तो मैंने एक ट्रिक बताई है। तो जब बहुत सारी रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स मिरर में तो वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन अगर हम उनको प्रोड्यूस करें देन दे विल अपीयर टू मीट एट द फोकस, या देन दे विल मीट अपीयर एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो एक्चुअली इज इट रियल फोकस, मैं आपसे पूछूं क्या ये रियल है, तो फोकस तो है लेकिन ये वर्चुअल फोकस है, क्योंकि यहां पर लाइनें रियल में नहीं मिल रही है, वर्चुअल फोकस। बात खत्म हो गई, सवाल पूछा जा सकता है, ये बात आपको नोट करके लिखना है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस है। बात आपको समझ में आ गई। अब कोइंसिडेंटली एक और कोइंसिडेंट हुआ, यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था जब उसको नापा गया मेजर करा गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक की दूरी और फोकस से पोल तक की दूरी आ रही थी बराबर। ये कोइंसिडेंटली हुआ, क्योंकि अब लोग क्या बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो फोकस निकल आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं हुआ था। फोकस तो वो पॉइंट था जिस पर सारी लाइनें मिल रही थी या मिलती हुई दिखाई दे रही थी, अगर वो लाइनें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो उस पॉइंट पर मिल रही है या उस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। रियल में मिल रही है कॉनकेव मिरर में, मिलती हुई दिखाई दे रही है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली जब उसको देखा गया तो वो जो फोकस था वो जस्ट बीच में निकला सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के, ठीक है। और फोकल लेंथ को भी डिफाइन करते थे, व्हाट इज फोकल लेंथ, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर तो समझ ही चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो इसको मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा इरेज करके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस ये रहा, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करिए और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करिए, यानी कि जो लंबाई होती है फोकल लेंथ उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और जो फोकस होता है उसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कहा था वो तो कोइंसिडेंटली हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम आधा कर दें तो क्या निकल आएगा, फोकस, यानी कि फोकस जो होता है फोकस इज लाय इन जस्ट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आधा कर दिया जाए, अगर आपको किसी की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी जा रही है मिरर की, फोकस पूछा हुआ है तो आधा कर दीजिए, और अगर आपको फोकस दिया जा रहा है सॉरी फोकल लेंथ दी जा रही है, तो फोकल लेंथ अगर आपको दी जा रही है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो फोकल लेंथ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फोकस को डिफाइन करते हैं। फोकल लेंथ मैंने बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक टर्म आपको और समझाना चाहूंगा। अपेर्चर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लंबाई है ये कर्व में आ रही है, अगर हम मिरर कंप्लीट कर दें तो ऐसा हो जाएगा, तो ये एक आर्क लेंथ ऑफ आर्क हो गई, और अगर हम सेंटर से जोड़ें तो ये कोई ना कोई एंगल बनाती होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्लास 10 में सर्कल में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लंबाई है ये जो आर्क फॉर्म में आ रही है, ये वाली लंबाई पूरी आर्क फॉर्म में आ रही है, ये वाली लंबाई कुछ तो ज्यादा ही मार्कर चल गया वहां पर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ये पूरी लंबाई होगी ये वाली, इसको बोलते हैं अपेर्चर, याद रखिएगा अपेर्चर।
तो अपेयरचर इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर हम दोनों मिरर के, इस मिरर का एंड पॉइंट और इस मिरर का एंड पॉइंट, यानी कि इस मिरर के दोनों एंड पॉइंट को लीनियरली मिला दें, लीनियरली एक लाइन में, तो ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर बताता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कितनी चौड़ी है। तो इस लाइन को बोलते हैं लीनियर अपेयरचर, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्ट, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कितना साइज है। तो इट इज कॉल्ड लीनियर अपेयरचर, और जो एक्चुअल लेंथ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो आर्क फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अपेयरचर। तो ये दो टर्म है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाया, अपेयरचर और लीनियर अपेयरचर। आगे चलते हैं। नाउ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, कि इमेज कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बनाना नहीं आते हैं। अभी तो एमसीक्यूज पेपर आएगा तो रूल आपसे पूछे जाएंगे, तो कुछ रूल्स हैं और यहाँ पे मैं रूल्स का प्रूफ ही बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मिरर कोई सा भी हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है। बच्चे सोचते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, देखो मजे की बात सुनो, ये नॉर्मल हो गई, इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, तो ये दोनों एंगल बराबर है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो कहोगे सर यही इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल भी यहीं पे होनी चाहिए, सीधी होती है नॉर्मल, ये ऐसे हो गई, तो यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर लग नहीं रहे। तो मैं पहले आपको रूल पढ़ा दूं फिर प्रूफ दूंगा। तो पहला रूल नंबर वन है, याद कर लो, नोट कर लो, हो सकता है ये सिर्फ आधा बना हुआ आएगा, यानी कि ये वाली लाइन बनी हुई नहीं आएगी एग्जाम में, ये वाली लाइन बनी हुई आएगी, कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कहां से जाएगी। तो चार रूल है टोटल, चार रूल आज मैं पढ़ाने वाला हूं, और चार रूल से ही जो आपने को पढ़ाए गए होंगे इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में 6 केज है, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केज है, वो इन रूल से ही बनी है। मैं रूल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला रूल ये है कि इफ इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, then it will go through the focus, या then it will pass through the focus after reflection। अगर कोई incident ray principal axis के parallel आती है तो वो reflection के बाद focus से जाएगी। इसको याद कर लो, याद मैं अभी बता दे रहा हूं, इतना important है। अब सर इसमें law of reflection कहां से लग रहा है, incident और reflected angle equal कैसे है? तो आप एक गलती कर रहे हो, मैं नहीं करने वाला, ये है point of incidence, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डालते हैं नॉर्मल। अब अगर प्लेन मिरर हो तो नॉर्मल डाली भी जाए, अब यहां पे कहां पे मैं नॉर्मल डालूं, इधर डालूं, इधर डालूं, इधर डालूं, इधर डालूं, नॉर्मल जाएगी कहां, वही तो बता रहा हूं। तो मैथमेटिक्स ये कहती है अगर कोई आपको सरफेस कर्व मिले तो आपको वहां पर डालना पड़ेगा टेंजेंट, या मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, और फिजिक्स में मैथमेटिक्स इतनी कौन पढ़ाने वाला आपको, तो ये आपको फायदा है फ्यूजन ऑफ फिजिक्स विद मैथमेटिक्स। सुनिए, तो यहां पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं जो उस पॉइंट को छू करके जाएगी। मान लो ये हो गई टेंजेंट, ये स्ट्रेट लाइन है, अभी तो मैं बना नहीं पा रहा हूं, स्केल रख के यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, तो ये इस पॉइंट के लिए प्लेन मिरर का काम करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो उसकी टेंजेंट से आएगी। अब यहां पे जब आप नॉर्मल डालोगे 90 डिग्री में, तो खुद ही बताओ ऐसी आएगी या नहीं आएगी, खुद ही देख लो भाई, 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, इधर थोड़ा सा इधर आएगी, देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये आ गई आपकी नॉर्मल। आप बना के देख लेना रेगुलर से अपने घर पे, और फिर उसके बाद एंगल मेजर करना, ये वाला और ये वाला देखना, बराबर नहीं आए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर ऑन ऑल द मिरर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, तो हमने जब नॉर्मल बनाई नहीं थी वो देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन जब हमने नॉर्मली नहीं बनाई थी तो हम कैसे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, आप टेंजेंट डालिए, फिर उस टेंजेंट पे 90 डिग्री पे लाइन डालिए, तो दैट विल बी द नॉर्मल फॉर दिस केस, और फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करके देखिए बराबर आएंगे। ये केस ना ही कोई पढ़ाता है ना किसी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अगर यही कॉनकेव मिरर हो वो तो लाइन को डाइवर्ज कर देगा, तो यहां पर भी हम क्या डालें, टेंजेंट डालें, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, इस पर 90 डिग्री पे लाइन अगर डालें तो यहां पर जाएगी, यहां पे कुछ इस तरीके, ये हो गई नॉर्मल रे, हो गई नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लीजिए बराबर है, तो अगर वो है कॉन्वेक्स मिरर तो इट विल अपीयर टू मीट एट द फोकस, अगर कोई रे इंसिडेंट रे के पैरेलल आ रही है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी, अगर हम उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो वो फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी,
तो दोनों रूल सेम है इसलिए मैंने एक साथ ले लिया है। कॉनकेव के अलग पढ़ाए जाते हैं, कॉन्वेक्स के अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेम है। कॉनकेव मिरर में पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, और कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पर आती हुई दिखाई देगी या फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल जस्ट इसका अपोजिट है, अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद खुद में खुद पैरेलल हो जाएगी। रे पासिंग थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इफ अ रे कम्स फ्रॉम द फोकस देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होता है। आप यहां पे एक टेंजेंट डालिए, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, बीच में आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। तो अगर आपको कर्व मिरर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है तो जिस पॉइंट पे लाइट टकरा रही है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए, उस टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, फिर आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर आएंगे। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये टेंजेंट वाली कहानी समझ में आ गई, टेंजेंट नॉर्मल वाली कहानी, अब सिर्फ रूल पढ़ेंगे। तो अगर कोई लाइट की रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, और अगर ये फोकस पर आ रही है, फोकस पर आती हुई दिखाई देगी ना, वो तो हमने लाइन मिलाई है, तो यहां पे टकराने के बाद वो खुद ही कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी क्योंकि फोकस पर आ रही थी। समझ आई बात? तो ये हो गया केस नंबर टू। याद रखिएगा, फोकस पर आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा पॉइंट, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई खास यूज नहीं है। इफ अ रे इंसिडेंट ऑन द पोल, तो जितना एंगल बनाकर आ रही है उतना ही एंगल बना के वापस जाएगी। कहोगे सर यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, क्यों? बोले सर ये वाली देखो नॉर्मल है तो बराबर लग रही है। बेटे यहां पे नॉर्मल ये इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप यहां पे टेंजेंट डालोगे तो बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, सीधी ऐसी आएगी वो टेंजेंट, तो ये तो नॉर्मल का काम करेगी फिर प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो? यहां पे जब आप टेंजेंट डालोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी टेंजेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर है इस केस में भी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है इस केस में भी, लेकिन यहां दिखाई नहीं देते और यहां पे पता चल पा रहा है। तो अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाकर आ रही है उतने एंगल बना के वापस चली जाएगी, क्योंकि पोल पे अगर हम प्रिंसिपल सॉरी टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए यही रूल है। अब आया चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इफ अ रे कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप यहां पर टेंजेंट डालें, ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो नॉर्मल का यही वाली नॉर्मल हो जा रही है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है वही नॉर्मल का काम कर रही है। अब आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, अगर कोई रे नॉर्मल पे आ जाए यानी कि जीरो डिग्री एंगल होता है इसमें, इंसिडेंट एंगल कितना होता है जीरो डिग्री, प्लेन मिरर में पढ़ा चुका हूं, तो यहीं पर वो वापस चली जाएगी। तो इसका रूल है भाई, ऐसे थोड़ी है कि अपने हवा में हो रहे सारे रूल। तो अगर आप यहां पे टेंजेंट डालें तो यही रे नॉर्मल का काम कर रही है, तो लाइन जब नॉर्मल पे आ रही है तो वापस भी नॉर्मल पे जाएगी। तो ये इसका प्रूफ हो रहा है, ये नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं भी, रट लो फिर। इफ अ रे या फिर इंसिडेंट रे कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल गो ऑन द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेम पाथ पे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई दिखाई दे रही है तो टकराने के बाद यहां पर वापस यहां चली जाएगी, बिकॉज जब आप यहां टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट 90 डिग्री पे आ रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे ही वापस होली वो। तो ये रूल है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा टेंजेंट वाला केस। तो चार रूल हो गए, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस पर आएगी पैरेलल हो जाएगी, पोल पे जितने डिग्री का एंगल बना के आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से उतने डिग्री एंगल बना के वापस चली जाएगी, और चौथा रूल हो गया अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब इन्हीं रूल से इमेज बनेंगी। इमेज बनाने के लिए आपको 6 केस है ना हमारे, तो इमेज बनाने के लिए आपको 2 इंसिडेंट रे चाहिए, और आपको मैंने 4 रूल पढ़ाए हैं, एक पैरेलल, तो पैरेलल वाली तो हर उसमें ले लिया करो, और दूसरी मैं देखो बता रहा हूं कैसे लिया जाएगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जो बहुत दूरी पर रखा हुआ है, लाइक सन, समझ रहे हो, लाइक सन। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मिरर में इमेज ना बने, मिरर के सामने एक स्क्रीन लगा दो तो स्क्रीन पे इमेज बने, मैं दिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। तो मान लो सन हो गया, जो क्या मानना है इन्फिनिटी पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा जैसे सूरज है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इसके एक हमने यहां से क्या ले ली, पैरेलल रेज ले ली, क्योंकि रेज तो मैंने कहा था हर पॉइंट से निकलती है और हर डायरेक्शन में निकलती है, आपको सिर्फ 2 रेज चूज करनी है, आप 2 रेज वाली चूज करो जिनके बारे में आपको रूल पढ़ाया गया है। एक यहां से ले ली, ये भी पैरेलल आ गई, और हम जानते हैं जो रेज पैरेलल होती है वो फोकस पे मिलती है, और जहां पे लाइनें रियल में कट करती है वहीं पर क्या बनती है इमेज। तो इन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिखाया, देखो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये मत बनाइए, ठीक है।
फोकस पे मिल गई और फोकस पे एक पॉइंट बना, यही पॉइंट इतनी बड़ी इमेज, इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज कहलाएगा। समझ आ रही बात? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी, याद रखिए, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना? एट एफ लिख दे रहा हूं, एट फोकस पर बना। नेचर कैसा बना? भाई रियल में कट हो रहा है तो नेचर हो गए रियल, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड। साइज कैसा बना? साइज ऑब्जेक्ट के अगर कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा है, छोटे को डिमिनिश बोलते हैं, और बहुत ही छोटा है तो आप लिख दीजिए हाईली डिमिनिश्ड। इसकी एक टेबल आएगी आगे। फिलहाल ये तीन चीजें आपको हर केस के बारे में लिखनी है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आप इसको खुद से बनाइए, कॉनकेव मिरर बनाइए और ऑब्जेक्ट रख दीजिए थोड़ा सा दूर, दो पैरेलल रेज लेके आइए तो वो आपके फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगे। तो ये आपका पहला केस हो गया फिनिश। ये आपको याद करना है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा होता है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाँ, अब देखिए सर कैसे मिलेगा। तो अगर कॉनकेव मिरर आपके पास है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास है, सपोज कर लीजिए ये स्क्रीन है, आपने कोई एक पेज ले लिया, पेपर ले लिया, कपड़ा ले लिया, स्क्रीन है, तो मिरर से ये मिरर है, समझिएगा बात को, ये मिरर है, इस मिरर से आप थोड़ी सी दूर जैसे हटाते जाइए, जैसे ये कपड़ा आपका फोकस पे पहुंच जाएगा तो इस फोकस पे आपको इमेज, सॉरी इस पेपर पे आपको इमेज नजर आने लगेगी। इस स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन ले लीजिए, तो इस स्क्रीन पर आपको इमेज नजर आने लगी है, यानी कि है मिरर लेकिन इमेज बना रहा है स्क्रीन पर, तो इसलिए इमेज रियल इमेज कहलाएगी। अगर ये मिरर के अंदर दिखती पीछे की साइड, ये इमेज कहां दिखती? मिरर के अंदर पीछे की साइड, तो ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती। तो स्क्रीन वाला ये गेम है, ये दो बच्चों को लीजिए, आप दो बच्चों से कहिए स्क्रीन पकड़ के खड़े हो जाएं और उनसे थोड़ा 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 बढ़ने को बोलिए, जैसे ही वो फोकस पे पहुंचेंगे तो आपको वो इमेज दिखाई देगी। ये 6 के 6 केसों का वेरिफिकेशन कराया जाता है फिजिक्स के लैब में। मुझे लगता नहीं आजकल कोई फिजिक्स का टीचर इसको कराता होगा रियल में, मुझे नहीं लगता कि आपको कराया गया है। देखिएगा फिजिक्स लैब में जाइएगा, एक टेबल होती है, उस टेबल पे एक कॉनकेव मिरर फिक्स होता है, उसका फोकस भी मार्क होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मार्क्स होता है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रख के, और जब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस पे रख दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दिया, पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तो यहाँ पे रख रख के हम स्क्रीन लगा लगा के इमेज बनाते हैं। आपके फिजिक्स लैब में होगा, जाके देखिएगा, सर से बोलिएगा कराया जाए, समझ में आ गई, तब आपको ये रियल में समझ आएगा। नंबर टू इसका जस्ट उल्टा है, ये आपको याद हो जाएगा। तो अभी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट फोकस पर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट फोकस, दूसरा केस है। तो देखिए ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, मैंने क्या कहा था, आपको दो रेस चाहिए लाइन बनाने के लिए, तो आपने एक रे ले ली पैरेलल, और जो रे पैरेलल होती है वो टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। देखो रूल है भाई, सही है बात। तो ये आ गई फोकस पर, एक रे आपने इसकी ऊपर वाली कोर को छूती हुई ले ली और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ले आएगी वो वापस भी किस पे आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये वापस से सीधी चली गई। हमने कुछ नहीं किया ऐसे, हमने तो सिर्फ रूल लगाए, एक पैरेलल ली फोकस से आ गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, बस ऑब्जेक्ट को छूती हुई जानी चाहिए। लेकिन जब हमने ये देखा तो ये दोनों आपस में कैसी हो रही है? दोनों आपस में हो रही है पैरेलल रेस, और मैं कहता पैरेलल लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलती, तो इन्होंने मान लिया पैरेलल लाइनें अगर कहीं मिलेंगी तो वो पॉइंट है इन्फिनिटी। पता ये चला कि जो इमेज बनी तो है बड़ा आसान, इसमें 6 केस है, 6 में केस 2 केस यूनिक है, बाकी 2 केस और 2 उनके अपोजिट है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपकी कहां आ गई? देखिए पिछले वाले केस का जस्ट उल्टा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गई बेटा आपकी इन्फिनिटी, याद रखिएगा इन्फिनिटी हो गई। इन्फिनिटी पे रखा था फोकस पे बना था, फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज जाके। दूसरी बात कर रहे हैं साइज कैसा हो गया, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिट पे जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, वहां पे हाईली डिमिनिश था, यहां पर हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड। इनके इसको नोट करके याद रखना है, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, ये 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज हो गया, उसके बाद नेचर हो गया, तो सीधी बात है मिरर के सामने बन रही है ना इमेज, इस साइड, मिरर के अंदर तो नहीं बन रही है, याद रखो। मिरर के सामने जितनी भी इमेज बनेगी पहचान बना लो रियल इमेज, और मिरर के पीछे जितनी इमेज बनेगी वो सारी वर्चुअल इमेज, याद रखना। लिखा है भी था पीछे, एक टेबल पढ़ाई थी उसमें, देखो दिखाता हूं आपको, ये भी देख लो, ये भी मैंने पढ़ाया है, ये देखिए दिस इमेज रियल, सॉरी हाँ वर्चुअल इमेज, दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर,
वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनेगी और लेंस के फ्रंट में बनेगी जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा, और रियल इमेज जो होगी वो मिरर के फ्रंट में बनेगी और लेंस के बिहाइंड बनेगी। तो मिरर के फ्रंट में जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी रियल इमेजेस हैं, रियल। तो नेचर कैसा हो गया इसका, रियल एंड इनवर्ट, ये तीन चीजें ही हमें पता करनी थी। दो केस हो गए आपके, केस नंबर थ्री, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे सी पर ही रखा है मेरे हिसाब से, हाँ सी पर ही है, सी पर ही है, गलत लिख दिया। एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें जो इमेज उतने ही साइज की बन जाए, तो वो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की इमेज बनाएगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। देखिए ये रख दिया, क्या कहा था, दो रेस चाहिए जैसा भी आपको मिल जाए, तो एक तो पैरेलल मिल जाती बड़ी आसानी से, पैरेलल का रूल भी मालूम है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरी हमने कहां से ले ली, मैंने कहा ऊपर वाली कोर को छूती भी जाए बाकी कैसे भी ले लो, आप ऐसे ले लेते पोल पे एंगल बना लेते तो वो भी कैसे जाती, ऐसे ही जाती और यहीं पर कट करती, देख लो जहां पे ये कट कर रही है, लेकिन उन्होंने क्या करा फोकस से ले लिया। तो इस चीज को फॉलो मत करो आप, मैंने जो रूल पढ़ाया आप अपने तरीके से बना दो। उन्होंने फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने फोकस से ले ली दूसरी रे, और फोकस पे आती है तो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती, तब भी यहीं कट करेगी, और पोल पे आप वो एंगल वाला रूल लगाते तब भी वो यहीं कट करती, यानी कि इमेज यहीं बनेगी। इसको इससे मिला दिया जाता है, किससे मिला दिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप दोनों को मेजर करके देख लीजिए, देखिए ए वाला जो पॉइंट है ना वो यहां पर आ गया और जो बी वाला था वो बी डैश यहां पर हो गया, तो इमेज उल्टी हो गई, बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जस्ट उसके नीचे और उतनी ही साइज की बनी, जितना ऊंचा वो है जितनी उसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो पोजिशन ऑफ इमेज सुन लीजिए आप, पोजिशन ऑफ इमेज कहां बनेगा, एट सी पर ही रहेगा। साइज सुन लीजिए, साइज क्या रहेगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज। नेचर कैसा रहेगा भैया, सामने बन रहा है तो लाइनों के कटने से बन रहा है, नेचर रहेगा आपका रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, बात खत्म होगी, दैट्स ऑल। तो ये यूनिक केस है, बाकी ये वाले केस दो अपोजिट है। हाँ ये वाला पोजिशन ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चौथा केस पढ़ाने जा रहा हूं, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा हुआ है। एक रे पैरेलल ले ली, देखो कहां से जाएगी, तो ये पैरेलल वाली जो रे ली है कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, देख लो तो फोकस से गुजार दी, चिंता ही कोई बात नहीं। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आसानी से चली जाएगी, आप चाहो तो फोकस से ले लो, अगर आप लेते फोकस से यहां टकराती फिर वो पैरेलल हो जाती, फिर भी देखो यही कट करती। तो आप रूल को समझ रहे, रटिए मत किताबों को, अगर मैं फोकस से लेके आता तो फोकस वाली पैरेलल हो जाती वो भी यही कट करती, और अगर मैं पोल पे लेके आता पोल से कुछ ना कुछ एंगल बना के वापस जाती है वो भी यही कट करती। तो रूल वही है, इमेज वही बनेगी जो आप चाह रहे हैं, जो आपका रियल केस है इमेज वही बनेगी। तो इनको फॉलो मत करिए, मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं सिखाए हैं, चलो आप अपने हिसाब से इमेज बना के देखिए, कॉनकेव मिरर बनाइए और इमेज बना के देखिए। तो फिलहाल एक आई पैरेलल फोकस से गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई। तो याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे कट कर रही है, सी और एफ के बीच में कट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इसको हम किससे मिला देते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस से मिला देते हैं, तो यही हमारा इमेज कहलाएगा। इन्वर्टेड इमेज हो गई, रियल इमेज हो गई। साइज में देख लीजिए आपको छोटी नहीं लग रही है क्या, ऑब्जेक्ट है ऊंचा और ये है छोटी, हाँ। तो याद रखिएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड सी रखा हुआ था बच्चों, बियॉन्ड सी, तो पोजिशन ऑफ इमेज कहां पर आ रही है, चलो मैं यहीं से बता दे रहा हूं क्या लिखूं, पोजिशन ऑफ इमेज आ रही है बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। ये केस भी क्लियर हो गया। दूसरा जो केस है, ये केस था मेरा फोर्थ केस, फिफ्थ केस इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दें, बिटवीन सी एंड एफ रख दें तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ये बड़ी की छोटी बन रही है, वो छोटी की बड़ी बनेगी। देखो नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ,
एक पैरेलल ले लो, फोकस से जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इसके ऊपर वाली कोर को बस छूना चाहिए, ऐसे ले लो तो वापस सेम पाथ पे आ गई। दोनों कहां पे कट हो रही है, बियॉन्ड सी कट हो रही है, तो बियॉन्ड सी कट होगी तो इमेज भी बियॉन्ड सी बन गई जो कि उससे बड़ी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ देन द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इन साइज। ये था आपका पांचवा केस। अब केस नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं। ये यूनिक केस है, यानी कि दिस इज द ओनली केस, इस पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, दिस इज द ओनली केस इन विच अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। आपसे पूछा जाएगा क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, हाँ बनाता है, किस केस में बनाता है। वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो दैट द कॉनकेव मिरर विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। कहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखें जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाए, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में रखोगे, ये खड़ा कर दिया तो इन्होंने पैरेलल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लिया है। चलो वैसे मैं होता तो ऐसे ले लेता पैरेलल और ऐसा करके चली जाती, कोई बात नहीं, इनकी बात मान लेते हैं, आप अपना रूल लगा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी कोर को इन्होंने छूते हुए ले लिया, तो जैसे ही आ रही है वैसे ही जाएगी। दूसरा, इन्होंने एक वही पोल वाला रूल लगा दिया, कुछ एंगल बना के पोल से आ रही, उतना एंगल बना के वापस चली गई। अगर हम इन रे को आगे बढ़ाएं और उस वाली रे को आगे बढ़ाएं तो ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इनको प्रोड्यूस करें तो ये एक जगह कट करती हुई दिखाई देंगी। अब ये जबरदस्ती कट करवाई गई है प्लेन मिरर की तरह, याद आया, तो ये मिरर के पीछे जाके मिल रही है, इसलिए जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी। ए वाला ये पॉइंट रहा, बी वाला ये पॉइंट रहा, इसलिए इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है, इसलिए बोलते हैं वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो इस केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी then the image will be formed behind the mirror। याद रखिएगा position of the image क्या बोली जाएगी, behind the mirror। nature क्या होगा, virtual and direct। size क्या होगा, enlarged होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत important, note करके लिखिएगा। जो convex mirror है, convex mirror is always produced virtual image। convex mirror सिर्फ virtual image बनाता है, but its image always diminished image। convex mirror हमेशा virtual image बनाएगा, लेकिन वो image हमेशा ही object से छोटी होगी। आपसे सवाल आएगा कि एक mirror जो वर्चुअल इमेज बना रहा है और वो इमेज साइज में छोटी है, तुरंत समझ जाना कि वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल तो होती है लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। देख लो, अब क्वेश्चन आएगा कि एक मिरर है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है बट इनलार्ज इमेज है, तुरंत समझ जाना कॉन्केव भी हो सकता है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करता है वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। तो ये मुझे बतानी थी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये छह के छह केस होगा, इसकी टेबल आपको मिल जाएगी, ये टेबल आप अपनी कॉपी में बनाइए। इन्फिनिटी पे रखा था तो कहां बन रही थी, फोकस पे, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश थी, और साइज जो था वो हाँ रियल इन्वर्टेड साइज दे तो दिया डिमिनिश। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने उसको पीछे रखा था तो बिटवीन सी एंड एफ बन गया था और रियल इन्वर्टेड और छोटा था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी थी और सेम साइज की बनी थी और रियल और इन्वर्टेड थी। यूज में अलग से पढ़ाऊंगा, ये यूज अभी नहीं पढ़ा। बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब एफ एंड सी के बीच में रखा था तो बियॉन्ड सी बना था जाके, आपने अभी देखा था रियल इन्वर्टेड था, थोड़ा सा मैग्नीफाइड था। फोकस पे रखा था, इन्फिनिटी पे बना था, हाईली मैग्नीफाइड था, रियल एंड इन्वर्टेड था। और पोल और फोकस के बीच में रखोगे तब इमेज आती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन वो मैग्नीफाइड होती है और कहां दिखाई देती है, अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी मैंने पढ़ाया उसका डिडक्शन जो है वो इस टेबल में है, बट सारे वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आधा डायग्राम आपको बना हुआ दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कहां पे कट करेंगी अब। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है, समझा है, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक हो गई बात। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सिर्फ दो केस हैं, सिर्फ दो केस। पहला इन्फिनिटी पे रखा हुआ, जब इन्फिनिटी पे रखा होगा लाइनें पैरेलल आएंगी इन्फिनिटी से, तो इस तरीके से जाएंगी कि वो फोकस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है रियल में, तो वर्चुअल इमेज बनेगी कहां पे, फोकस पे। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। तो when the object is placed at infinity in front of the convex mirror, then the image will formed at the focus. Size highly diminished, nature virtual and erect. दूसरा रूल या दूसरा केस, anywhere, कहीं भी रख दो, anywhere between infinite and pole, कहीं भी रख दो। तो infinite पे रखा था, infinite और pole के बीच की दूरी बची, कहीं भी रख दीजिए। तो जब आप कहीं भी रखेंगे तो एक ray इन्होंने लिए जो center of curvature पे जा रही थी, देख लो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। एक पैरेलल जा रही थी, पैरेलल जा रही थी तो कहां से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये दोनों कट कर रही है पोल और फोकस के बीच में, लेकिन बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज का साइज है देख लो बहुत छोटा है। तो एनी वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिट एंड पोल, द इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस।
पोल और फोकस के बीच में इमेज आ रही है यहां पर, कभी यहां आ जाएगी कभी यहां आ जाएगी, बट पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी। लेकिन साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटी बनेगी। और नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है जब मिरर के पीछे बन रही है उस पर हम पहुंच नहीं सकते, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दीज आर ओनली टू केसेस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम इसको छोटा करने के लिए देखते हैं। गाड़ी के जो पीछे वाले शीशे होते हैं जिसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, तो उसमें पूरा हाईवे पूरा रोड छोटा होके पूरे एक छोटे से शीशे में दिखाई देता है, जिससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि भाई पीछे से कौन आ रहा है। और उस मिरर पे आपने एक चीज लिखी हुई देखी होगी, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इतना दूर है नहीं जितना दूर दिखाई दे रहा है, वो थोड़े पास में है क्योंकि उसने छोटा करके दिखा रहा है उसको। तो आप जो भी रेयर व्यू मिरर देखेंगे उस पर एक लाइन लिखी होगी, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, जितना वो दूर दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा क्लोजर है। इस मिरर का यूज इसलिए किसमें किया जाता है, रेयर व्यू मिरर में। इसके ये दो केस है, इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे बन जाएगा बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड होगा पॉइंट साइज होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। देखो लिखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, यानी कि कहीं भी रख दो इन्फिनाइट और पोल के बीच में, इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, और जो इमेज होगी उसका साइज होगा डिमिनिश्ड और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आ जाओ भैया यूजेस पे, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर यूजेस आर लिस्टेड इन द पॉइंट्स बिलो। कॉनकेव मिरर का क्या यूज है, सुनो भाई, पहला शेव इन मिरर, शेव जब करते हैं तो मिरर के बहुत पास आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि कॉनकेव मिरर सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बना रहा है। जब हम मिरर में शीशा, जब हम मिरर में देखते हैं तो वर्चुअल इमेज तो दिखाई देनी चाहिए, अभी तो देखेंगे रियल इमेज तो इसी साइड दिखाई देगी, यहां मैंने लगाया मिरर इमेज बन रही है पीछे तो मैं कैसे देखूंगा। तो शेविंग मिरर होता है ना, शेविंग मिरर में जो हमारी पोजीशन होती है वो पोल और फोकस के बीच में आ जाती है। बात सुनना, मैं यूज का रीजन भी बताऊंगा। तो शेविंग मिरर में बहुत इंसान क्लोज रखता है मिरर को, तो जो उसके फेस की पोजीशन है वो पोल और फोकस के बीच में आती है, और जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है कॉनकेव मिरर में तो इमेज कहां बनती है, अभी बताया था, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर और इनलार्ज बनती है, तो चेहरा बड़ा दिखाई देता है तो आराम से शेव हो जाती है। दूसरा हेड मिरर में, जो गाड़ी के हेड होते हैं, एक चीज देखो भाई, ये रहा गाड़ी का हेड, तो गाड़ी के हेड में बल्ब लगा होता है, बल्ब के पीछे ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां बल्ब लगा है, तो इंजीनियर ने पीछे एक सिल्वर कलर की स्क्रीन लगा दी कॉनकेव शेप में, तो यहां पे बल्ब फिट कर दिया। बल्ब कहां फिट कर दिया, फोकस पर, बल्ब फोकस फिट किया तो बल्ब से बहुत सारी रेस निकली, वो उस रिफ्लेक्टर से टकराई, और हम जानते हैं जो रेस फोकस से आती है वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है पैरेलल, कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो जब वो पैरेलल हो जाएंगी तो लाइट बहुत दूर तक जाती हुई दिखाई देगी। एक सेकेंड, हाँ जी देखिए, तो जो गाड़ी का हेड मिरर होता है उसमें जो उसका बल्ब है पीछे एक कॉनकेव शेप की रिफ्लेक्टर लगा के उसको फिट कर दिया जाता है उसके फोकस पर। जब लाइट की रेस फोकस से आती हैं तो वो कैसे हो जाती है, पैरेलल, तो फोकस हमारा जो लाइट का जो फोकस होता है वो बन जाता है दूर तक, क्योंकि हम जब कोई गाड़ी चला रहे होते हैं रात में तो हमें दूर तक दिखाई देना चाहिए। तो ये इसका एक यूज है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें भी ये बड़ी इमेज दिखाई देते हैं, टेलीस्कोप में कई सारे मिरर यूज किए जाते हैं। हेडलाइट में, हेडलाइट अभी मैंने बता दी थी। अच्छा, हेड मिरर जो बात हो रही थी वो डॉक्टर्स हेड मिरर की बात हो रही थी। डॉक्टर हेड मिरर, जो ईएनटी डॉक्टर होता है, ईएनटी एयर नोज थ्रोट नाक कान गले का डॉक्टर, वो एक मिरर का यूज करता है अपने सर पे, ये मिरर लगाता है। ये भी कौन के मिरर है, वो अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करके देख लेता है, तो ये कौन के मिरर का यूज है। दूसरा इसका जो यूज होता है, सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस का मतलब क्या हो गया, तो सोलर कुकर वगैरह होते हैं, सोलर फर्नेसेस में देखिए इसका यूज ये है कि कॉनकेव शेप की होती है तो सन से जो रेज आती है वो आती है पैरेलल, वो फोकस पे मिलती है, और फोकस पे ही हमने जो खाना बना रहे हैं हमने वो फोकस पे ही फिट कर दिया, तो सारी हीट उसको मिल जाएगी और वो गर्म हो जाएगा कुकर और जो है वो खाना बन जाएगा। दूसरी बात, जो हमारी डिश होती है, जो एंटीनाज होते हैं डिश टीवी के, जो एंटीनाज होते हैं, डिश हो गई कोई सी भी डिश हो, जो एंटीनाज होते हैं वो भी तो कॉनकेव शेप में होते हैं, और जो उसका रिसीवर है इस तरीके से एक रिसीवर लगा होता है वो उसके फोकस पे ही तो फिट किया जाता है बच्चों, यानी कि जो सिग्नल आते हैं वो पैरेलल रेज आएंगी और वो सारी कहां पे मिल जाएंगी, फोकस पे मिल जाएंगी। तो ये इसके पीछे रीजन है कॉनकेव मिरर को यूज करने का, बात समझ में आ गई। कॉन्वेक्स मिरर हम जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो चीजों को छोटा करके दिखाता है,
छोटा करके, जब सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे, सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो देख रहे हैं आप ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, पूरी शॉप को एक एक मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी कैमरा का काम करता है। यहाँ पे एक इंसान बैठ के देखता रहता था, सिक्योरिटी गार्ड जो भी होता था। तो कॉन्वेक्स मिरर आज यूज एज द शॉप सिक्योरिटी मिरर, पूरी शॉप एक उसमें दिखाई दे रही, बिकॉज ये चीजों को छोटा करके दिखाता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, एक छोटे से मिरर में पूरा हाईवे दिखाई दे रहा है कि पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट यूज है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। इनसाइड द बिल्डिंग्स व्हीकल मिरर एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये यूज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक यूज पढ़ना और एक यूज इस तरीके से पढ़ना कि इसका यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो सारे प्रिंसिपल भी मैंने आपको समझा दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई और नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बट इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे केसेस हैं इसमें, इतने सारे डायग्राम्स हैं, तो बहुत अच्छे से करिए रिवीजन। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।